नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आज अपनी टीम पहुंची जो खंडला की तहसील है बठे, और अठे जी बात करें तो सैकड़ों की संख्या में जो नरेगा कर्मचारी ही धरना पर बैठ गए हैं। कहीं है पूरा मामलो पूछांगा ने जी, कहे आज ये सुबह से ही ज्यादा अठे तहसील में आया, फिर जी जो साहब ने ज्ञापन भी दिया जी भी के बाद में ये वापस अठे बैठ गया। नमस्कार जी, क्या हुआ पूरा मामला? देखिए, राजस्थान सरकार ने शहरों में जो नरेगा चलाया है उसके तहत खंडेला शहर के मजदूर चारोड़ा धाम के आसपास वहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ जो नरम मिट्टी थी उसको जेसीपी से खुदवा दिया गया, और 7-8 फुट नीचे जो कठोर और पथरीली जमीन है, पत्थर है, उनसे खुदवाया जा रहा है। अगर काम पूरा नहीं होता है तो 2 बजे तय समय से 3 बजे उनकी छुट्टी की जाती है, एक्स्ट्रा 1-2 घंटे रोक लिया जाता है मजदूरों को। नगर पालिका के कर्मचारी प्रशासन द्वारा मनमर्जी की जा रही है। इतना कठोर काम करने के बाद भी मजदूरों को मजदूरी के रूप में 70 रुपये आ रहे हैं, मजदूरों ने बताया 110 से ऊपर अब तक नहीं आए, जो कि 269 रुपये सरकार तय कर रखी है, और 70 रुपये में भी ऐसी विसंगतियाँ आई हैं कि उन लोगों की लापरवाही है नगरपालिका प्रशासन की। कुछ लोग 2-2 महीने की मजदूरी दूसरे के खाते में चली गई, या पता नहीं अपने खाते में ले लिया उन्होंने, मजदूर जब भी गए तो बोला तुम्हारी दूसरे के खाते में चली गई है। अब आप बता सकते हैं कि मजदूरों के साथ ये अन्याय है, 70 रुपये दे रहे हैं पूरा बात कती सत्यता है, काम पूरा कौन करोगे? मैं शुरुआत में उद्घाटन हुए जब से मन लगी थी आचारी जोड़ी में, तो मेरे काम ना पे जब बोले आपकी सबसे टॉप मार्टी आ रही है, फिर मेरा 6 दिन का पीस आया, वो नगर पालिका में पक्की लिस्ट में बता रहे हैं 1420 रुपये, और मेरे खाता में आया 900 कुछ रुपये, और बाकी पैसे बोले किसके कट गए, तो बोले कट गए यहीं कट गए। बोले किसने कही ये बात? ये बात वो जो पैसे गिरते हैं मैंने, वो नरेगा में लग रही है, वो मैडम आसी रोज सब ने बोली है मेरे पास, यहाँ पर वो फार्म भरा था वो भी था, और पैसे गिरने वाले भी, वो हाजिरी करने वाले भी। जैसे बात करें तो वहाँ पे टोटल कितने मजदूर काम करते हैं नरेगा में? जब तक 20-30 आदमी था शुरू शुरू में, इतने शुरू शुरू की बात है। तो जी हाँ, बात करा तो जो मजदूर के साथ बहुत ही बड़ो अन्याय हो रही है। जी हाँ, बात करा तो 265 रुपये जब सरकार बोल रखी है, अभी के बाद माने 130-150 रुपये मिले हैं, तो थे कमेंट्स कर बताइए थाने की कहीं राय है ताकि कि जो मजदूरी बाकी सार सही हो रहे हो या गलत हो रहे हो। आप जब नगर पालिका में गए तो आपको क्या जवाब मिला? हरी जी गए जो मारो काम चेक करवाता नहीं, काम चेक करो ना तो बोले पूरी माटी निकाल रहा है, फिर बोले काम करो तो करो नहीं मत करो, 30 रुपया बोला, 30 भी कौन, और मैं बुलावा कौन गया था, नू तो देवा कौन गया, फिर आगे से सरकार क्यों चलाई काम और है चलाई जनाई, तो मैं बड़े गया कि नहीं कहता नहीं जाए जा है नहीं तो गया ना, फिर माना डांट रो रहा है बोलो काम करो तो करो नहीं। आपकी करो। क्या मांग है सब जितने भी महिला मजदूर बैठे उनकी मांग है? हमारी सर 8 से 8:30 तक हमारी हाजिरी होनी चाहिए, और हम 1 बजे तक काम करेंगे, और इतनी कंक्रीट में और पत्थर में इतनी माटी नहीं दी जाती है, हमारे से पॉली माटी देंगे तो हम 1 फुट माटी देंगे, और पत्थर में हमारे से माटी नहीं जाते। अरे जी जाते हैं तो हमको धमकी लगाते हैं, सामने आ गए, हम डरते नहीं है किसी से भी। तो जी हाँ, बात करें तो आप जो नगर पालिका प्रशासन है बासु भी बात करेंगे, और जो मेट ही बासु भी बात करेंगे, बाको भी पक्ष रखेंगे। अब मैं 6 साल जनी थी, जब मैं 2-3 दिन का एक्सीडेंट था, तो एक बात हुआ मैं मेरी चीज क्या छोड़ूंगी, बड़े मैं तो लाऊंगी, फिर बेबी बैठी ही रहनी, ये बताओ आदमी का जा उसमें एक लगते हैं हिंदी में तो क्या हिंदी में एक बैठ क्या हिंदी में एक बात करा सबका।